अस्सलाम वालेकुम सर, आज आपके साथ जो मैं स्मार्टफोन शेयर करने वाला हूँ, इस स्मार्टफोन को हम लोग एक्चुअल में एक तबाही स्मार्टफोन कह सकते हैं। अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता ना तो भाई ये तबाही बिल्कुल मचा सकता है। ये स्मार्टफोन बेसिकली आता है ब्लैकव्यू की तरफ से, इसका नाम है BL9000 5G। उनके साथ ही मिलकर हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी टाइप की वीडियो। अगर आप लोगों को ये स्मार्टफोन अच्छा लगता तो आप लोग इसकी डिटेल को नीचे वाले लिंक के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को भाई डबल स्क्रीन मिलती है, एक तो फ्रंट के ऊपर मेन स्क्रीन है, जबकि स्मार्टफोन की बैक साइड के ऊपर आप लोगों को एक सेकेंडरी स्क्रीन भी मिल जाती है, जो कि काफी सुपर यूजफुल होती है। उसके ऊपर आप लोग काफी ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, जिनके बारे में आगे चलकर हम लोग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए स्मार्टफोन की स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है, अगर आप लोगों को डिटेल वगैरह देखनी है तो नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस लिंक के थ्रू जाकर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके डिजाइन की, तो आप लोगों को जो डिजाइन मिलेगा वो एक कंप्लीट जो रगेड स्मार्टफोन होता है वैसा डिजाइन मिलेगा, क्योंकि ये एक रगेड स्मार्टफोन भी है, तो अल्ट्रा टफ जो डिजाइन होता है इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। IP की रेटिंग है, साथ में IP69K की रेटिंग भी मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका स्मार्टफोन 5 से 8 मीटर की हाइट से नीचे गिरता तो इसको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा, और अगर आपको फोन पानी के अंदर भी गिर जाता तो 1.5 मीटर तक आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर ड्रॉप की प्रोटेक्शन मिल जाती है, साथ में वाटर और डस्ट की रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड की गई है। लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर इसका जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो अकेला कोई हाईलाइटिंग पॉइंट नहीं है। इसके अंदर जो बैक साइड के ऊपर सेकेंडरी स्क्रीन प्रोवाइड की गई ना, वो भी इसका एक मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है, जिसको आप लोग डिफरेंट तरीकों के साथ कस्टमाइज कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आप लोग ने म्यूजिक को सुनना, म्यूजिक को कंट्रोल करना, तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। प्लस आप लोग कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो, जो बाइबल स्क्रीन है उसको आप लोग एज अ व्यू फाइंडर के तौर पर यूज कर सकते हो। आपने बैक वाले कैमरे के साथ पिक्चर्स को लेना तो आप लोग स्क्रीन के अंदर अपना जो व्यू उसको देख सकोगे। प्लस इसके अंदर कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लाइक आपकी जो कॉल्स होंगी आप लोग इसी स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आपने अगर कॉल्स वगैरह को पिक करना है। इसके अलावा नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कि आपके जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आपको इसी डिस्प्ले के ऊपर मिल जाएंगे। प्लस आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी मर्जी का जो फेवरेट वॉलपेपर आपने बाहर वाले स्क्रीन के ऊपर यूज करना तो आप लोग वो कर सकोगे। और इस डिस्प्ले के साथ जो फोन है ना, काफी ज्यादा लग्जरी टाइप की वाइब को भी प्रोवाइड करता है। प्लस वेदर का डाटा आप लोग देख सकते हैं, और भी आपके अगर जो वर्कआउट्स वगैरह उनकी डिटेल आप लोगों ने चेकआउट करनी है तो इस डिस्प्ले के ऊपर चेकआउट कर सकोगे। बेसिकली बैक साइड के ऊपर आप लोगों को पूरा एक फोन मिल जाएगा, जिस तरह आपको मेन डिस्प्ले के ऊपर ऑप्शंस मिलते हैं वही आपको छोटे साइज के अंदर बैक वाले डिस्प्ले के ऊपर ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई आउट कर सकते हो। लेकिन जो बात है ना वो यहाँ पर खत्म नहीं होती, स्मार्टफोन के अंदर बाकी भी जितनी स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी काफी हद तक टॉप ऑफ द लाइन है। इसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल 6.7 इंच का फुल HD प्लस 2.4K की रेजोल्यूशन वाला 120Hz वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, साथ में हार्मन कार्डन के स्पीकर सिस्टम लगाए गए हैं। अगर हम ब्राइटनेस की बात करते हैं तो 600 nits की ब्राइटनेस है, प्लस स्मार्टफोन के अंदर TUV की सारी सर्टिफिकेशंस भी मौजूद है, और आपको जो डार्क मोड है वो भी मिल जाएगा, तो आपका जो कंटेंट को कंजप्शन करने का एक्सपीरियंस होगा वो भी काफी ज्यादा डिसेंट होगा। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो 12GB की रैम है, साथ में 12GB की रैम की एक्सपेंशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, लाइक आपकी 24GB तक की रैम हो जाएगी। साथ में 512GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन है, आप लोग मेमोरी कार्ड वगैरह को डाल सकते हो। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो MediaTek का Dimensity 8020 का प्रोसेसर है, जो कि N22 के ऊपर आप लोगों को तकरीबन 8 लाख से प्लस का स्कोर देता है, और ये वाला जो प्रोसेसर है 6nm के ऊपर बेस्ड है। जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, अब क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन मौजूद नहीं है तो आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी हम लोग इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के ऊपर देखते हैं, तो आपको काफी ज्यादा डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी, और जो रैम की मेमोरी वो भी काफी ज्यादा, तो अगर आप लोग मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो तो आपको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं कैमराज की, तो फ्रंट और बैक साइड के ऊपर आप लोगों को 50MP के शूटर्स मिल जाते हैं। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो अगेन हमारे पास स्मार्टफोन मौजूद नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर बैक साइड के ऊपर जो स्क्रीन प्रोवाइड की गई आप लोग बैक कैमरे को बैक वाली स्क्रीन के ऊपर देखकर यूज कर सकते हो। ओवरऑल जो यहाँ पर कंपनी के सैंपल्स हैं वो आप लोग देख सकते हो, लेकिन जो मिड रेंज टाइप की क्वालिटी इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं बैटरी की, तो इसके अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा बड़ी बैटरी मिलेगी, 8800mAh की बैटरी है, साथ में 120W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, और जो 120W वाला चार्जर है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। इस फोन के बॉक्स के अंदर आपको 120W वाला चार्जर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्मार्टफोन की कुछ मेन हाईलाइटिंग चीज है। अगर मैं अपनी फेवरेट चीज की बात करता हूँ तो भाई बैक साइड के ऊपर इन लोगों ने जो स्क्रीन लगाई ना वो काफी एक अच्छा फीचर है, लाइक इस किस्म की जो छोटी सी स्क्रीन अगर मिलती है नॉर्मल फोन के अंदर तो काफी एक सुपर यूजफुल चीज आती है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मजीद डिटेल वगैरह को देखना तो आप लोग इनकी जो वेबसाइट है जो AliExpress वहां पर जाकर विजिट कर सकते हो। अब इनके साथ हम लोग कोलैबोरेशन के साथ ये वीडियो बना रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये फोन ऑफिशियली तौर पर तो नहीं आ रहा, लेकिन AliExpress के ऊपर ये अवेलेबल है, तो अगर आप लोगों को डिटेल वगैरह देखनी है तो आप लोग देख सकते हो। अभी इसकी स्पेशल प्राइस डिस्काउंट वगैरह चल रहा है तो आप लोगों को वो भी ऑफर मिल जाएगी, अगर इन केस आप लोगों की स्मार्टफोन खरीदना। अब यहाँ पर जाते जाते आप लोगों के साथ एक और मैं इनकी छोटी सी प्रोडक्ट को शेयर कर देता हूँ, जो कि एक स्मार्ट वॉच है जिसका मॉडल नंबर है W50। अब बेसिकली एक रगेड स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर आप लोगों को अल्ट्रा टफनेस मिल जाती है मल्टी ग्रेड की, 1.39 इंच का आपको राउंड डायल के अंदर डिस्प्ले मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोग स्ट्रैप के डिफरेंट कलर्स को चूज कर सकते हो, जिसके अंदर ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर और खाकी कलर है। अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आप लोग इसके अंदर कॉल को रिसीव कर सकते हो, कॉल को डायल भी कर सकते हो। स्मार्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया, आपके जितने भी सोशल मीडिया वगैरह के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग ब्लड ऑक्सीजन वगैरह को मेयर कर सकते हो, स्ट्रेस मॉनिटरिंग
अगर आप लोगों ने करनी है तो वो भी कर सकोगे। कस्टमाइजेशन के लिए आपको वॉच फेसेस मिल जाते हैं, और अगर आप लोगों ने वर्कआउट वगैरह करना है तो आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाएंगे। लाइक हमारी जो ट्रेडिशनल टाइप की वॉचेज आती है वो सारे सारे फीचर इस वॉच के अंदर प्रोवाइड किए गए, इसकी भी सेल वगैरह चल रही है, तो आप लोग इसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप लोगों को मजीद डिटेल चाहिए तो जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे, आप वॉच और स्मार्टफोन दोनों की जो डिटेल है नीचे जाकर चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों को ये वाली प्रोडक्ट कैसी लगी आप लोग अपनी भी शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को खत्म करते हैं, जेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।